क्या हाल है मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, मेरे भाई। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक द हार्ट एंड आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ उस गेमर बंदे की जिसे गेम खेलने का काफी अच्छा शौक है, लेकिन हर बारी वो पबजी में थोड़ा कम स्कोर इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं था और वो चाहता है कि उसे 40,000 के अंदर फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर भी मिल जाए, साथ में फोन की डिस्प्ले भी अच्छी हो और ओवरऑल फोन काफी अच्छा हो और कम प्राइस पॉइंट के अंदर हो। अराउंड उस बंदे का बजट 40,000 के है। तो मैं ऐसा ही एक आपको फोन सजेस्ट करने वाला हूं क्योंकि अगर आप भी गेम खेलने में काफी ज्यादा विश्वास रखते हो और आपको ई स्पोर्ट्स गेम खेलने काफी ज्यादा पसंद है तो ये फोन डेफिनेटली आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सारी स्पेसिफिकेशन, जो भी इस फोन की रिव्यू रहने वाली है ना इन डेप्थ, वो सब आपको मैं सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। तो जो फोन का नाम रहने वाला है वो है पोको की तरफ से आने वाला ये फोन है, पोको F4 GT। जी हाँ, अगर मैं इस फोन की लॉन्च डेट बताऊं तो ये फोन हमें अप्रैल के महीने में यानी इसी महीने में देखने को मिलेगा, 26th of April, और कहा जा रहा है कि मई की एक आधी एक दो तारीख में आप इसे बाय कर पाओगे ऑनलाइन। तो अब मैं इस फोन की अगर आपको इन डेप्थ डिटेल में बताऊं तो ये फोन कैसे बना है, तो जैसे कि हमें पता है कि पोको जो है वो रेडमी की रिब्रांडेड एक कंपनी है जिसमें से रेडमी के फोन चुरा के पोको वाले अपना नाम देके और थोड़े सस्ते प्राइस पॉइंट में हमें देते हैं। तो ये जो पोको F4 GT है ना, ये रेडमी की तरफ से लॉन्च हुआ हुआ K50 एक अच्छा खासा गेमिंग फोन है। जो रेडमी की के सीरीज होती है वो गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली होती है और उस बात को ध्यान रखते हुए जो पोको की एफ सीरीज होती है वो गेमर्स के लिए होती है। तो जो पोको F4 GT है वही रेडमी K50 रहने वाला है। ऑल्दो थोड़े से चेंजेस इस फोन के अंदर करे गए हैं जो कि प्राइस थोड़ा कम इस फोन का रहे, तो वो जो चेंजेस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर इस फोन की बिल्ड एंड लुक्स के बारे में बताऊँ तो इस फोन की जो बैक रहने वाली है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही रहने वाली जो कि हमें रेडमी K50 के अंदर देखने को मिली थी। वो ही ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग दे रखी है और उसी के साथ ट्रिपल कैमरा के साथ लाइट LED फ्लैश लाइट जलती हैं जो कि काफी अच्छी लगती हैं, थोड़ा गेमर वाला लुक प्रोवाइड करती है। और जो पीछे का डिजाइन रहने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, और उसी के साथ नीचे पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और पीछे ग्लास भी लगा हुआ है कोडिंग गोरिल्ला ग्लास, तो ग्लासी बैक पीछे की रहने वाली है प्रोटेक्टेड काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए। एल्युमिनियम के फ्रेम देखने को मिलेंगे यानी प्रीमियम लुक हम इस फोन का ओवरऑल कह सकते हैं एक गेमर के लिए। और वहीं अगर मैं कुछ फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में भी हमें काफी अच्छी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी और काफी अच्छी इस फोन की एक गेमर सेंट्रिक डिस्प्ले भी रहने वाली है। तो अगर चलिए अगर मैं थोड़ा डिस्प्ले के बारे में आपको और बताऊं तो इस फोन के अंदर हमें OLED जितना कहा जा रहा है मिलने वाली है जिसके 1 बिलियन कलर्स डिस्प्ले के अंदर रहने वाले हैं जो कि काफी इनसेन नंबर है। 1 बिलियन कलर्स एक फोन की डिस्प्ले में यानी काफी अच्छा एक्सपीरियंस हमें कलर्स के मामले में फुल मिलने वाला है। और जो रिफ्रेश रेट है उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है क्योंकि पावरफुल चिपसेट हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो जो रिफ्रेश रेट इस फोन का है वो 120Hz है और HDR10+ का सपोर्ट और फुल HD+ सारे मतलब जितने भी बढ़िया स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सपोर्ट होते हैं सब फोन के अंदर अवेलेबल है। डिस्प्ले का साइज मैं बताना भूल ही गया, इस फोन की जो डिस्प्ले का साइज रहने वाला है वो 6.6 इंचेस रहने वाला है जो काइंड एवरेज साइज हम इस फोन की डिस्प्ले कह सकते हैं आज की डेट को देखते हुए। और वहीं प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी जो कि और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, 6, 5, 4 इन सबसे अच्छी होती है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और इसी के साथ हमें इस फोन की बॉडी में फिजिकल मैग्नेटिक गेमिंग ट्रिगर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि हमें गेमिंग के टाइम पे काफी हेल्प करेंगे, ऑल्दो ये फोन गेमर्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है इसलिए। अब वहीं अगर इस फोन को जो शक्ति प्रदान करता है यानी जो इसका चिपसेट रहने वाला है वो आपको वैसे भी पता ही होगा, जी हाँ इस फोन के अंदर में हमें फ्लैगशिप चिपसेट मिलने वाला है जो कि स्नैपड्रैगन का आता है 8 Gen 1 4nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और इस चिपसेट के बारे में मेरे को लगता है कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है क्योंकि काफी पावरफुल चिपसेट एंड्रॉइड मार्केट में अभी तक यही है, बट MediaTek भी इससे पावरफुल जल्दी लाने वाला है तो कभी अलग वीडियो की बात रहेगी। तो ये अभी तक तो काफी पावरफुल चिपसेट रहने वाला है फ्लैगशिप अभी का। और इसी के साथ अगर मैं GPU की बात करूं तो
हमें एड्रीनो 730 जीपीयू मिलने वाला है। ये भी काफी अच्छा जीपीयू हमें इस फोन के अंदर दिया गया है, एकदम फ्लैगशिप लेवल का जीपीयू दिया गया है, जो कि हमारी गेमिंग काफी बढ़िया इस फोन में करवा देगा इजीली। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 और MIUI 13 जो कि पोको बेस्ड होती है वो हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। इतना तो फोन काफी अच्छा लग रहा है। और अब अगर मेमोरी के एंड इंटरनल स्टोरेज के मैं अगर आपको थोड़ी बातें बताऊं तो हमें इस फोन के तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगी। एक है 8GB विद 128GB ऑफ रैम, एक है 12GB विद 128GB ऑफ स्टोरेज और एक है 12GB ऑफ रैम विद 256GB ऑफ स्टोरेज। और वहीं अगर मैं रैम टाइप बताऊं तो जो रैम रहने वाली है वो तीनों वेरिएंट्स में LPDDR5 रहने वाले। जी हाँ, हमें इस फोन के अंदर LPDDR5 दी गई है और स्टोरेज भी UFS 3.1 का सपोर्ट दिया गया है, यानी रीड एंड राइट स्पीड में तो फोन आग लगा देगा। अब मेन कैमरा यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप में अगर मैं बताऊं तो जो हमें मेन कैमरा इस फोन के अंदर प्राइमरी लेंस मिलेगा वो है 64 मेगापिक्सल का लेंस, जो कि काफी डिसेंट फोटोज हमारी क्लिक कर देगा। मैं ये नहीं कहूंगा एकदम फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस तो ये फोन देगा ही, लेकिन एकदम फ्लैगशिप लेवल की फोटो क्लिक करके नहीं देगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में फोन थोड़ा सा डाउनग्रेडेड हम कह सकते हैं। और सेकंड लेंस जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दे रखा है। पता नहीं 2 मेगापिक्सल का कंपनी देती क्यों है। वीडियो हम 4K में विद 60fps और 1080p विद 120fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सारे सपोर्ट इस फोन में अवेलेबल है। वहीं सेल्फी हमें 20 मेगापिक्सल की काफी अच्छी सेल्फी शूटर हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। अब जो स्पीकर का मामला है ना, वहाँ पे लाइक कंपनियां क्या है 2 स्पीकर ज्यादा से ज्यादा दे देती है और कहते हैं कि स्टूडियो स्पीकर ये फोन है, लेकिन इस फोन ने ये चीज ब्रेक करके हमें 2 स्पीकर बॉटम में और 2 स्पीकर टॉप में दिए हैं, जिससे इस फोन की जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जो ये स्पीकर है ना 4 स्पीकर का जो सेटअप है ये ट्यून्ड है JBL से, तो JBL के बारे में तो हमें पता ही है, आग लगा देता है वो, धुआं उठा देता है, तो स्पीकर इस फोन के भी काफी अच्छे रहने वाले हैं इसीलिए। बाकी अगर मैं सेंसर्स की बात करूँ तो NFC, GPS, ब्लूटूथ ये सारे हमें कम्युनिकेशन की चीजें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। बस एक बुरी बात क्या है कि इस फोन में हमें 3.5mm का जैक नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर गेमर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स यूज करने पड़ेंगे। सेंसर जो है हमें फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेंगे। इस फोन में इन डेप्थ इन डिस्प्ले सेंसर नहीं दिया है और कोई बात नहीं, साइड माउंटेड भी सही लगता है, कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। जायरो कॉम्पैक्ट सारे सेंसर फोन के अंदर अवेलेबल। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 4700mAh बैटरी दी गई है। ऑल्दो आजकल के फोनों में 5000 बैटरी आती है, 5000mAh बस 200mAh कम है, तो इतना हम कॉम्प्रोमाइज कर भी सकते हैं, क्योंकि एक डेढ़ घंटे का फर्क पड़ जाता अगर थोड़ी इतनी बैटरी होती तो इतना हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन के अंदर में फास्ट चार्जिंग दी गई जो आती है 120W की और 17 मिनट में आपका फोन पूरा चार्ज कर देगा, अगर 17 नहीं तो 20 मिनट में तो कर ही देगा, इतना तो पक्का है। फोन के अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इस फोन को हम ब्लैक, ग्रे, ब्लू और एक AMD मर्सिडीज का एडिशन भी देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा नॉर्मल वेरिएंट से हाई पे होगा, क्योंकि मर्सिडीज का पीछे लोगो दे रखा है जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है और इस फोन पे। तो ओवरऑल फोन काफी अच्छा रहने वाला है अगर आप गेमर्स हो और अगर आपको 40,000 रुपए के अंदर अराउंड 40 से 42,000 के अंदर का कोई गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए था तो ये एकदम बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इस फोन को आप जरूर चेकआउट कर सकते हो और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मतलब वीडियो को तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली में बड़ी जल्दी।